नमस्कार मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी किस प्रकार सफल है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है कुछ महीने पहले की बात की जाए तो नालंदा में ही दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी उसके पहले भी बहुत सारे मौतें हुई है बिहार में और ये कटु सत्य है कि बिहार में सिर्फ कागजों पर शराबबंदी है बिहार में शराब भूत की तरह है दिखती नहीं है लेकिन बिकती जरूर है आपको हर एक गाँव में हर एक कस्बा में आपको शराब धंधेबाज मिल जाएंगे और आपको आसानी से वो शराब मुहैया करवा देंगे लेकिन पुलिस भी कम नहीं है प्रशासन भी कम नहीं है नीतीश कुमार के शासन भी कम नहीं है शराब को पकड़ने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बिहार पुलिस को ड्रोन दिया जा रहा है विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को शराब पकड़ने के लिए मतलब कि ड्यूटी दी जा रही है कि आपके विद्यालय के अंतर्गत आपके विद्यालय के आसपास शराब तो नहीं बिक रहा है उसको पकड़ना है कल इस्लामपुर पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है दरअसल सफलता यह है कि वो किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ी है वो किसी गैंगस्टर को नहीं पकड़ी है वो एक शराब की खेप को पकड़ी है देर रात इस्लामपुर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद के वी चौक के पास के वी तीन मोहानी के पास आ, गया से आ रही एक ट्रक को जब्त किया ट्रक में कुछ नहीं था बोले तो ट्रक के अंदर कुछ नहीं था लेकिन तहखाने में छुपा हुआ था वो फिल्म देखते थे ना तहखाने में क्या है तो तहखाने में था 1900 लीटर अंग्रेजी शराब और उसकी कीमत आकी जा रही है लगभग 20 से 25 लाख रुपया इस्लामपुर पुलिस ने इस खेप के साथ साथ मतलब कि जो ट्रक के ड्राइवर थे उसको भी गिरफ्तार की है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसका धंधेबाज है कौन मेन गुनागार कौन है बड़ी मछली कौन है छोटी मछली तो पकड़ा गई हाँ उन्नीस लीटर शराब भी पकड़ा गया अंग्रेजी और ड्राइवर भी पकड़ा गए लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस धंधे के पीछे कौन बड़ी मछली है कोई राजनेता है कोई पूंजीपति है कोई उद्योगपति है इस पे अभी पर्दा लगा हुआ है कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले क्या इस्लामपुर में अगर देखा जाए तो क्राइम की जो मतलब कि ग्राफ है ऊपर बढ़ी है इसमें कोई दो मत नहीं है और शराब भी बिकती है पूरे इस्लामपुर में नहीं बल्कि पूरे बिहार में और ये सब कोई जानते हैं शराब भूत के जैसा मैंने आपको पहले ही बताया शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार हर एक हथकंडा को अपना रहे हैं और इसी कड़ी में कल इस्लामपुर पुलिस ने 1900 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त किया है देखिए किस प्रकार ट्रक से अंग्रेजी शराब मतलब कि कहीं दूर दराज ले जाया जा रहा था पर उस दौरान इस्लामपुर पुलिस ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है तो पहले वो वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में वाकई शराबबंदी है या सिर्फ नीतीश कुमार इसके नाम पर ढोंग कर रहे हैं धन्यवाद